जिसने देश को आज़ाद कराया, जिसने पूरे विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, जिसने भारतीय संस्कृति का महत्व बताया, जिसने विदेशी संस्कृति को दूर भगाया, वही महान पुरुष हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहलाया। मैं आशुतोष कुमार पटेल, कक्षा सप्त ब, सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल BHU का छात्र, आज आप सभी के समक्ष गांधी दिवस पर अपने कुछ विचारों को प्रकट करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को गांधी दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जयंती और स्वच्छता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्मदिवस मना रहे हैं जिसने पूरे भारत को एकजुट किया और भारत को आज़ाद कराया, जिसने विश्व को एक नया हथियार दिया अहिंसा। वो थे हमारे पूज्य बापू महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म 1969 में गुजरात के पोरबंदर ज़िले में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और बैरिस्टर बनना चाहते थे। गांधी जी बचपन में अंग्रेज़ों के वेशभूषा पहनना ज़्यादा पसंद करते थे। सन 1891 में जब वे अफ्रीका के में कई नस्ल भेदी और रंग भेदी नियमों के खिलाफ प्रदर्शन करके भारत लौटे, तब जब उन्होंने भारत की स्थिति देखी तब उससे वो काफ़ी दुखी हुए और उसके बाद उन्होंने भारत को आज़ाद कराने का प्रण लिया। शुरुआत में उनकी अहिंसा वाली बात को बहुत से लोगों ने गलत ठहराया। किसी को नहीं पता चला कि गांधी एक व्यक्ति से कब एक विचार में बदल गए। जिस वक्त मनुष्य एटम बम बनाकर अपने आप को सर्वशक्तिमान समझता था, उस वक्त अहिंसा की एक आंधी ने पूरे भारत से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका। दे दी आज़ादी हमें बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कहते हैं जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो भगवान कोई ना कोई रूप लेके पृथ्वी पर जरूर अवतरित होते हैं, और उस वक्त में गांधी जी एक ऐसे ही रूप थे। जिस व्यक्ति ने धर्मनिरपेक्षता की मिसाल रखी उसी व्यक्ति को एक धर्म का पक्ष लेने के गलत आरोप में मार दिया गया। जिसने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया उसको उसी के देशवासी ने मार दिया। अपना सारा जीवन देश को समर्पित कर दिया उसको उसी के देशवासी ने मार दिया। यह कितने शर्म की बात है हमारे लिए। दुख की बात तो यह है हम में से कुछ लोग साल भर गांधी जी के बने अलग अलग मीम्स और जोक्स को भेजते हैं और सिर्फ 2 अक्टूबर को ही उनके विचारों को अध्ययन करते हैं। पूरा विश्व गांधी जी को अपना आदर्श मानता है, पर हम भारतीय अभी तक उनके सपनों का भारत नहीं बना सके हैं। हम भारत को प्रदूषण मुक्त, स्वच्छ स्वस्थ और भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं बना सके हैं। आज हमें प्रण लेना होगा कि आज से हम न तो बुरा देखेंगे, न ही सुनेंगे और न ही करेंगे, और अगर कहीं बुरा हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस यही कहूँगा, देश के लिए जिसने विलास को ठुकराया था, त्याग विदेशी धागे उसने खुद ही खादी बनाया था, पहन के काट के चप्पल जिसने अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, देश का था वो अनमोल दीपक जो महात्मा गांधी कहलाया था। जय हिंद, जय हिंदी, जय गांधी, जय भारत।